छिंदवाड़ा के नेहरिया कोयला खदान में मुकद्दम पटेल सरकार ने धरना प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन खदानों में गए ठेका मजदूरों का वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि मुकद्दम सरकार पहले भी दमुआ थाने का घेराव सहित कई आंदोलन कर चुकी है। एक बार फिर कोयला खदान में मजदूरों का वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। उनका आरोप है कि ठेकेदारों द्वारा मजदूरों का शोषण किया जाता है और मजदूरों के वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाती है। उनका कहना है कि यदि मजदूरों की मांगें पूरी नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। कोल मंत्रालय के द्वारा HPC जो रेट तय किया गया है उसका विरोध उसका उल्लंघन करते हुए कामगार मजदूरों का जो मानदेय राशि तय की गई है 1100 से लगा करके 1300 तक की, जो कि यहाँ पे आज 500 550 दिया जा रहा है, उसके संबंध में ठेका कामगारों के द्वारा ग्राम सभा मुकद्दम के सरकार के तहत हमारी स्थानीय विधि के तहत इन कामगारों का काम बंद कर दिया गया है। मुकद्दम सरकार पटेल सरकार का महा अदालत लगाया गया था, जिसमें जो कामगारों की जो मांग थी हाई पावर कमेटी के तहत जो वेतन शुल्क तय किया गया, जिसमें 1242 1274 1305 1337 के आधार पे इनको जो दैनिक मानदेय देना था वो आज तक जो WCL वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड है उसने आज तक नहीं दिया। इसी को लेकर कामगार भाई साथियों ने ग्राम सभा को अपना प्रतिवेदन दिया और ग्राम सभा ने उसके माध्यम से कामगारों की बात को सुना और कामगारों की बात को सुनकर जब ये लेटर ये दस्तावेज निकाला तो पता चला कि जो वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड है ये कामगारों के हक को मारने का काम कर रहा है। ग्राम सभा के माध्यम से आदेश जारी किया, जारी करने के बाद भी आज तक हमें जैसा दादा ने बताया कि आज तक हमें गोदीनामा पत्र नहीं मिला। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।